आप सरसा से चुनाव लड़ोगे एमपी का या एमएलए का? मुझे पार्टी जो आदेश देगी, हाई कमान कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने की जिम्मेवारी देगी, तो उसको भी ईमानदारी निष्ठा और सच्चाई के साथ मिला। तो जब जनता का झुकाव होगा तो राजनीति में भगदड़ तो मचनी स्वाभाविक है। तो मानते हो मचेगी? मैंने कह दिया ना, स्वाभाविक है। धमाका होगा सरसा से, होगा कहाँ से होगा जी? अब ये सारी बातें तो नहीं बता सकते ना। इंदौरा जी के जिताएंगे भी लोगों को, लड़ाएंगे भी, खुद भी लड़ूंगा। 100% जिताएंगे। मैं नहीं, गरीब समाज के लोग, ऐसी समाज के लोग कांग्रेस पार्टी के अच्छे लोगों के वो अच्छे जुड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम। सर, बीजेपी ने तो पन्ना प्रमुख बना डाले, लेकिन कांग्रेस ने कोई संगठन का विस्तार नहीं किया? नहीं, पन्ना प्रमुख कागज होता है, और कागजों में अगर कोई संगठन चले तो फिर धरातल पे जाने की क्या जरूरत है। हरियाणा में बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी, यह बात हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के एससी सेल के प्रदेशाध्यक्ष व पूर्व सांसद सुशील इंदौरा ने आज कांग्रेस नेता राजेंद्र धानक के आवास पर हरियाणा पोलखोल न्यूज से बातचीत के दौरान कही। पूर्व सांसद सुशील इंदौरा का यहां पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हरियाणा पोलखोल न्यूज, में हूं ललित भारद्वाज। आपको बता दें कि अचानक हादसे में कांग्रेस के बड़े नेता, यानी कि कहीं तो आपको सरसा से पूर्व सांसद और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एससी सेल के प्रदेश अध्यक्ष हैं सुशील इंदौरा जी, अचानक हादसे पहुंचे हैं। हादसे आने का क्या कारण है, वो उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार सर। अचानक हादसे क्यों लड़ मारी आपने? नहीं, ये अचानक वाली बात तो नहीं। राजेंद्र धानक जी से बात हुई थी, इन्होंने मुझे कहा कि भी चाय पी के जाना, मैं जेरो तक जाना था, तो इन्होंने कहा कि चाय पी के जाना, तो इतने जो हमारे पूर्व मंत्री के बेटे सम्मानित हैं हंसी के, तो उनकी बात को कैसे हम टाल सकते थे। इसलिए चाय पीने के लिए साथ के साथ की 4 जून को हमारे जो हमारे समाज के धानक समाज के विशेषकर जो सामाजिक गुरु हैं, धर्म गुरु हैं, कबीरदास जी की जयंती रोहतक में हम मना रहे हैं, बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं, तो उसके बारे में भी चर्चा कर रहे हैं और लोगों को आमंत्रण दें कि भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, तो उसके लिए फिर झांसी में आना ही था। तो 4 तारीख को मैं आपके माध्यम से भी ये अपील करूँगा कि 4 तारीख को ITI ग्राउंड जो है, पुराना ITI ग्राउंड रोहतक में, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग हंसी बवाणी खेड़ाल के और इधर के लोग ज़्यादा से, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे, अध्यक्षता हमारे प्रदेश के कांग्रेस सेल कांग्रेस के अध्यक्ष जो हरियाणा प्रदेश HPCC के अध्यक्ष हैं चौधरी उदयवान जी करेंगे, और अति विशिष्ट व्यक्ति के तौर पर हमारे कुछ मेहमान आएंगे, जिसमें हमारे MP साहब हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी हैं, और भी बातचीत चल रही है। सर चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा के भी है, उसके बाद तुरंत विधानसभा के भी उस नहीं, सरकार लोग बनाते हैं और लोगों का मन है, लोग इस वर्तमान सरकार से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो लोगों के मन के मुताबिक अपने वादों पर पूरी नहीं उतर पाई, और जो पिछला चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कांग्रेस की सरकार थी जिसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, लोग उसको याद करते हैं, वो देखते हैं कि कैसे, और ख़ासकर गरीब तबका जो SC समाज है जो जिधर झुक जाता है। अब मैं तो SC सेल के अध्यक्ष के नाते भी, जैसे SC सेल का कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष हूँ, तो लोगों की भावनाओं को देखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। लोग तो वर्तमान सरकार से इतने दुखी हैं कि आज चुनाव हो जाए तो 100 के 100% लोग SC समाज के लोग हैं ना, कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। सर बीजेपी ने तो पन्ना प्रमुख बना रखे, लेकिन कांग्रेस ने अभी लगे हल्का प्रधान तक नहीं बनाए। नहीं, पन्ना प्रमुख कागज होता है, और कागजों में अगर कोई संगठन चले तो फिर धरातल पे जाने की क्या जरूरत है। इसलिए जो लोगों के दिल में बैठी है बात, कार्यकर्ता लोग होते हैं, संभालने वाले लोग होते हैं, किसी की ब्याह शादी हो जाए तो उसमें जैसे निमंत्रण दें, उसके अलावा भी अगर कोई मुसीबत आए तो लोग भाग के आते हैं कि नहीं आते। तो लोग आज इस सरकार से परेशान हैं, दुखी हैं, और ये जो सरकार ने खासकर गरीब तबके से जो वादे किए थे उनको पूरा नहीं कर पाए। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो सामाजिक माहौल में प्रेम प्यार सामाजिक रस्ता समरसता होनी चाहिए,
वो सामाजिक समरसता इस सरकार ने बिगाड़ी, चाहे वो देश के लेवल पे हो चाहे प्रदेश के लेवल। सर बीजेपी कह रही है कि गरीबी हटा रही, हम गरीबी दूर कर रहे हैं। भाई मुझे तो लगता नहीं कि कहीं गरीबी हट रही है, क्या वो तो बीजेपी वाले बताएंगे गरीबी हट रही है। मैं तो देखता हूँ तो गरीब और ज़्यादा गरीब हुआ है, और लोगों को है ना अब महंगाई इतनी होगी कि अब हम जैसे, मैं अपने ही बताता हूँ कि मैं भी गरीब परिवार से हूँ, मैं तो मुझे तो आप खुद है ना बाजार में जाके कुछ अगर मन करे खरीदने का तो वो भी नहीं खरीदने की, वो मैं हम कौन से बड़े सेठों के घर से, हम भी तो गरीब घर से ही है। क्या लग रहा है जी आप SSL के अध्यक्ष हो रहने के, तो आपका संगठन कब तक विस्तार हो जाएगा? देखिए मैं 4 तारीख तक तो व्यस्त हूँ, और मेरे बीच बीच में हमारे समाज के जो लोग हैं, SSL समाज के जो लोग हैं, उन नेताओं से और उनसे बातचीत भी चल रही है। हम सब की राय लेके जो SC समाज में तकरीबन 35-36 बिरादरी 37 बिरादरी हैं, उन सबको प्रतिनिधित्व देंगे, और हम सीनियर नेता जो भी पार्टी कांग्रेस पार्टी के उनसे सलाह मशवरा भी करेंगे, और उनसे राय करने के बाद फिर हम बनाएंगे। चुनौती है आपके सामने भी? कोई चुनौती नहीं है, लोग हमारे साथ हैं। कांग्रेस के कई धड़े हैं, आप जब बनाओगे अध्यक्ष बनाओगे हल्का अध्यक्ष बनाओगे तो कहने की उनकी भी चुनौती सामना करना पड़ेगा। मेरी आज तक की राजनीति में कभी मैंने तो धड़ाबाजी देखी नहीं, और मेरे लिए तो मतलब सभी सम्मान के हैं, सबकी राय ली जाती है और ली जाएगी, और मुझे तो सबकी सहमति से ही मतलब वो है कि मिलती रही है और आगे भी मिलती रहेगी। कोई मुझे तो लगता नहीं कोई धड़ेबाजी वो है, कांग्रेस के लिए सारे समर्पित है ना। अभी सारी बातें मैं तो कैसे बता दूं? नहीं आप ये अध्यक्ष हैं हरियाणा के, अरे बड़े नेता कहा जाता है आपको, पूर्व सांसद रह लिया आप। मैं गरीबों का नेता हूँ तो गरीब लोगों को जोड़ने का काम करता हूँ। लग रहा है भगदड़ मचाई। देखो इतिहास को अगर हम देखें तो जिधर जनता झुकती है, और आज जनता का झुकाव कांग्रेस पार्टी की तरफ है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व की तरफ झुकाव है, तो जब जनता का झुकाव होगा तो राजनीति में भगदड़ तो मचनी स्वाभाविक है। तो मानते हो मचाइए? मैंने कह दिया ना स्वाभाविक है कि ऐसे धमाका होगा, सर से होगा, कहाँ से होगा जी? अब ये सारी बातें तो नहीं बता सकते ना, कुछ तो सर थोड़ा सा सवाल और, आप सर से चुनाव लड़ोगे MP का या MLA का जी? मुझे पार्टी जो आदेश देगी हाई कमांड कांग्रेस पार्टी, क्योंकि मैंने अच्छे नेतृत्व के साथ काम किया हुआ है, तो मुझे जो भी आदेश पार्टी का, अगर मुझे कांग्रेस पार्टी जिस तरह से संगठन में दिया है तो मैं ईमानदारी के साथ और सच्ची निष्ठा के साथ कांग्रेस पार्टी में संगठन को मजबूत करूंगा। SC अगर चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी देगी तो उसको भी ईमानदारी निष्ठा और सच्चाई के साथ निभाऊंगा। सुशील इंदौरा जी के जिताएंगे भी लोगों को, लड़ाएंगे भी, खुद जिताऊंगा, 100% जिताएंगे। मैं नहीं, गरीब समाज के लोग, SC समाज के लोग कांग्रेस पार्टी के अच्छे लोगों के वो अच्छे जुड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम। तो क्या लग रहा है SC/BC वोट बैंक कांग्रेस की तरफ आता दिख रहा है? ये तो जनभावनाएं कह रही है ना, बता ही रही है, जनभावनाएं बता रही है, मेरे बताने की जरूरत ही नहीं। धन्यवाद। ये थे कांग्रेस के पूर्व सांसद व SC के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुशील इंदौरा। ये आज हादसी में आए थे पूर्व मंत्री स्वर्गीय अमर सिंह धानक के सुपुत्र राजेंद्र धानक के आवास पर, उनके यहाँ पहुँचने पर जबरदस्त स्वागत किया गया।